गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास में एक महत्वपूर्ण डिबेट का क्वेश्चन हम बताएंगे, जो न्यूटन के शीतलन नियम से है। न्यूटन का शीतलन नियम ही क्या है, इसको यदि जानना है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ये न्यूटन का शीतलन नियम 11th क्लास फिजिक्स में मिल जाएगा। आज हम उससे सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। न्यूटन का शीतलन नियम से ये पता चलता है कि यदि किसी वस्तु को ठंडा करना है तो जब उसका ज़्यादा ताप रहता तो कम करना हो, फिर कम ताप है उससे भी कम करना हो तो ज़्यादा ताप को ठंडा होने में कम टाइम लगता है, कम ताप को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इस बात की जानकारी होती है न्यूटन के शीतलन नियम से, है ना। तो न्यूटन का शीतलन नियम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको बताना है। तो वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी वस्तु के ताप को 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक शीतल होने में 3 मिनट का समय लगता है तो उसके ताप को 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होने में कितना समय लगेगा, जबकि बाह्य वातावरण का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप को 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक शीतल होने में 3 मिनट का समय लगता है तो उसके ताप को 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री तक होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है, न्यूटन का शीतलन नियम ये है कि θ1 − θ2/T प्रोपोर्शनल θ1 + θ2/2 − θ, ये θ1 − θ2/T प्रोपोर्शनल θ1 + θ2/2 − θ, ये क्या है, यानी शीतलन की दर मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुपातिक, ये वातावरण का ताप है, ठीक है ना। यानी न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है, उसका स्टेटमेंट ये है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर है उस वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुपातिक होती है। तो देखिए, इसी को हम चाहें तो क्या लिख देंगे, θ1 − θ2/T = K, θ1 + θ2/2 − θ, ठीक है ना। ये अब देखिए, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि θ1 का मान 100 दिया है और θ2 का मान 60। जब θ1 100 है, θ2 60 है तो टाइम का मान कितना है, 3 मिनट। और जब θ1 का मान 60 ले लिया जाए, θ2 का मान 20 ले लिया जाए, तब टाइम का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। और θ का मान कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर दिया है θ1 = 100 डिग्री सेल्सियस, θ2 = 60 डिग्री सेल्सियस, और t = 3 मिनट, और θ = 10 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट स्थिति में। और θ1 = 60 डिग्री सेल्सियस, θ2 = 20 डिग्री सेल्सियस, और θ = 10 डिग्री सेल्सियस, और t = ज्ञात करना है, ये
दूसरी स्थिति में। प्रश्न समझ रहे हैं? पहली स्थिति में थीटा वन थीटा टू टी और थीटा दिया है, और दूसरी स्थिति में थीटा वन थीटा टू थीटा दिया है, टी का मान ज्ञात करना है ना। तो ये हम न्यूटन का शीतलन नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से थीटा वन माइनस थीटा टू अपान टी इक्वल टू के थीटा वन प्लस थीटा टू अपान टू माइनस थीटा। तो पहली स्थिति से मान, पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति से लेते हैं तो ये 100 माइनस 60 बटे टी बराबर के, और 100 प्लस 60 बटे 2 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 40 बटे टी बराबर के, और ये 80 माइनस 10 और ये 160, तो ये हो गया 40 बटे टी बराबर के गुणे 70, ठीक है ना। और टी का मान भी तो रखा जाए, था टी का मान भी तो दिया है, ये 3 है, ठीक है ना, टी का मान 3 है। अब क्या करें, के बराबर हो जाएगा ये 40 बटे 3 गुणे 70, ये इसे कैंसिल हो गया। ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो के बराबर कितना आया, इसमें ये मान रख दिए, ठीक है ना। तो सब कुछ रखने के बाद के बराबर 4/21, ये के का मान आ गया, ये के का मान है, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया, न्यूटन का शीतलन नियम लगाया, ये फार्मूला है, इसमें थीटा वन थीटा टू का मान रख दिए, और थीटा का मान भी रख दिए, टी का मान 3 मिनट दिए तो 3 भी रख दिया हमने, है ना। इसको हल किया तो कितना आया, के बराबर 4/21। हमको के नहीं लाना था, हमको लाना क्या है, ये टी का मान। अब क्या करेंगे, इस वाले में भी फिर से शीतलन नियम लगा देंगे दूसरी स्थिति में, और न्यूटन का शीतलन नियम दूसरी स्थिति में लगाएंगे तो के का मान ये रख देंगे, टी का मान आ जाएगा, और थीटा वन थीटा टू का ये वाली मान रखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, के का मान 4/21, पुनः न्यूटन के शीतलन नियम से थीटा वन माइनस थीटा टू अपान टी इक्वल टू के थीटा वन प्लस थीटा टू अपान टू माइनस थीटा। अब दूसरी स्थिति से, तो दूसरी स्थिति से जब मान रखेंगे तो 60 माइनस 20 बटे टी बराबर के का मान 4/21 है, ये 60 प्लस 20 बटे 2 माइनस 10, तो ये कितना आएगा, 40 बटे टी बराबर 4/21 गुणे 40 माइनस 10 कितना आया, 40 बटे टी बराबर 4 गुणे 21, ये कितना हो गया, 30, ये इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो टी बराबर 4 गुणे 21 बटे 4 गुणे 3, ये कैंसिल, 3 सत्ते 21, है ना।
टी बराबर 7 ठीक मिनट। इसे क्या कन्फर्म हुआ कि इसे कन्फर्म हुआ, क्या कन्फर्म हुआ कि जब वस्तु का ताप 100 से 60 हुआ है, वस्तु का ताप 100 से 60 हुआ है तो उसमें टाइम कितना लगा था, 3 मिनट का। और जब उसी वस्तु का ताप 60 से 20 हुआ है तो टाइम कितना लग रहा है, 7 मिनट का, है ना। तो ये न्यूटन के शीतलन नियम से ये आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आने वाले क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।